हम आपको दिखाना चाहें तो ये देख सकते हैं, खैरवा गांव का एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि यहाँ कहना चाहें तो पानी से यहाँ ये लोग अपना चिन्हित जगह यही बनाए होंगे। कुछ लोगों का घर पानी में डूब चुका है, पूरी तरह से पानी में पड़ा हुआ है, वो लोग अपना चिन्हित जगह यहाँ खुद से बनाए हुए हैं और यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं अभी तत्काल के लिए। चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ लोगों की और जुबानी सुनते हैं। हो गया रहने दीजिए, चलिए झाजी हो गए। देख रहे हैं किस तरह से ये जो लोग आ रहे हैं, ये छतरी के सहारे आ रहे हैं। अगर किसी भी तरह की जानमाल की नुकसान हुई इसमें भरपाई कौन करेगा, ये कह नहीं सकते। और कोई भी एनडीआरएफ की टीम कहें तो या कोई भी प्रशासन की व्यवस्था कहें तो यहाँ पे देखने के लिए कोई मौजूद नहीं है। देख रहे हैं जरा दिखाएंगे, इधर सामने दिखाएंगे किस तरह से ये लोग एक एक करके निकल रहे हैं, किसी तरह एक एक कर निकल रहे हैं, लेकिन कोई मिलने वाला और देखने वाला नहीं। अभी फिर वही उसी जगह पहुंचे हैं जो कि आज से दो दिन पहले बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुल हुई थी। ये करीबन 48 घंटा से ऊपर बीतने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पानी का सैलाब है अभी भी चल रहा है और किस तरह से ग्रामीणों ने अपनी सहायता से एक छतरी का पुल बनाया हुआ है जो कि कुछ लोगों को जाने का व्यवस्था, इसको पैदल जाने का व्यवस्था है। कल इसी जगह पे वृद्ध व्यक्ति जो कि मेजरगंज से आ रहे थे, इलाज के लिए जा रहे थे, वो जाने के अभाव के कारण रोड के उस पार ही जो लोग रोड के उस पार है उस पार ही रह जा रहे हैं और जो लोग रोड के इस पार ही रह जा रहे हैं। ये छतरी भी नहीं था, इस कारण से उसी पार उनकी मौत हो गई। और बताना चाहे तो अभी तक इसका जायजा लेने कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे। ये छतरी का टूटा हुआ पुल है जो कि देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पे एक एक कर पैदल आवागमन किसी तरह से कर रहे हैं। रोड के उस पार जो है वो उस पार ही रह जा रहे हैं और इस पर गाड़ी कोई गाड़ी आने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ किया गया है। हो सकता है अगर किसी कारण से या किसी तरह की अगर दुर्घटना होती है यहाँ तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, अभी तक कोई सुनने वाला इन लोगों का नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है आपको दिख रहा है, इसमें आप टूटा हुआ पुल देख रहे हैं, वो जो लोग हैं उस पार ही हैं और इस पार कुछ लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इस पार से उस पार पैदल हो रहे हैं।